हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल सीमा सिव में। तो फ्रेंड्स, अभी 11:30 का टाइम हो चुका है। तो सुबह का नाश्ता पानी सब हो चुका है। तो अभी मैं करने जा रही थी झाड़ू पोछा डस्टिंग वगैरह। और ये काम थोड़ा लेट ही होता है जब से ससुराल में, मेरी दूसरी ससुराल में आई हूँ। वहाँ भी ससुराल ही है, यहाँ भी ससुराल ही है, लेकिन यहाँ मेन ससुराल है। वहाँ पर हम वैसे रहते हैं, आप सब जानते ही हैं कि हम लोग वहाँ किराए के मकान में रहते हैं। हमारा रियल घर जो है वो यही है। और ये है मेरे सास ससुर। देखिए, अच्छे से मैं फिर आपको कभी अपने सास ससुर से, अपनी मतलब फैमिली से मिलवाऊंगी। अभी तक मैं आपको अपनी पूरी फैमिली से नहीं मिलवाया है। तो अभी थोड़ी आवाज़ें आ रही हैं सबके बोलने की, तो मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। पहले झाड़ू पोछा वगैरह कर लेती हूँ। और ये देखिए, बच्चे ऐसे ही शरारतें कर रहे थे कीकू, तो इनको ना डांट लगानी पड़ती है बार बार बार। भाई बिल्कुल नहीं मानते बच्चे, बहुत शरारती बच्चे हैं। ये देखिए, तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये लेकर आए थे मेरे लिए और मम्मी के लिए दवाई, क्योंकि हमें हो रही है खांसी। और मैं तो मना कर रही थी क्योंकि मैं हल्दी वाला दूध पीती हूँ, उसे ही आराम हो जाएगा, लेकिन ये नहीं माने। ये देखिए मेरी बंदूक टूट गई था। बाय बाय, चोर का गोली। अरे क्या चीज है, बाय बाय। और ये दवाई इसलिए लाए हैं क्योंकि इन्हें कोरोना वायरस का ज़्यादा डर लग रहा है कि कहीं किसी को हो ना जाए। और डर भी सच्चा है। देखिए फ्रेंड्स, बहुत डर की बात है क्योंकि बहुत सारे अब इस टाइम वो हो रहे हैं, केसेस मिल रहे हैं, तो जिसकी वजह से सभी डरे हुए हैं। तो यहाँ पर मैं अपनी साफ़ सफ़ाई के लिए आ गई थी। और उसके ये जो घर की साफ़ सफ़ाई है, ये थोड़ा थोड़ा सा करना ही पड़ता है। बच्चों की छुट्टियाँ हैं तो इतनी साफ़ सफ़ाई तो रहती नहीं है, क्योंकि बच्चे कभी इधर कभी उधर इस तरह से करते ही रहते हैं। तो उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ अपने बेडरूम में, जहाँ पर पड़ा हुआ है ये बेड बड़ी मम्मी का। ये मेरी बड़ी सास का बेड है, छोटे वाला जो सिंगल बेड है जिसको मैं ठीक कर रही हूँ। तो ये उनका ही बेड है, वो इस पर सोती थी, लेकिन अब तो खैर वो नहीं है। तो और ये कमरा भी उनका ही है। हम लोग इस कमरे को बड़ी मम्मी का कमरा बोलते हैं, बड़ी मम्मी का हॉल बोलते हैं, इसी नाम से बुलाए जाते हैं हमारे यहाँ कमरों को। दो हॉल हैं हमारे यहाँ, मतलब कि ये दो आमने सामने के जो कमरे हैं वो बड़ी मम्मी का और छोटी मम्मी का हॉल के नाम से ही बुलाए जाते हैं। हमारे घर के कमरों के अलग अलग नाम रखे गए हैं। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में या फिर उससे नेक्स्ट वीडियो में आप सबको बताऊँगी कि हमारे कमरों के नाम कैसे कैसे रखे गए हैं। अगर आपको जानना है तो आपको मेरी वीडियो को वॉच करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो फ्रेंड्स, एक लाइक तो बनता ही है। और यहाँ पर मम्मी आ गई थी बात करने के लिए, पूछने के लिए कि देवी जी बोल रही हैं कि भंडारा करना है, लेकिन वही है कि कोरोना वायरस की वजह से सब तरफ से बंद है, तो भंडारा कैसे होगा। तो इसीलिए मम्मी बोल रही है कि हम लोग अब नहीं करेंगे, नेक्स्ट बार करेंगे। और अब की बार तो ये हमारा भंडारा आगे आगे बढ़ता ही जा रहा है। हालाँकि हमारा भंडारा जो होता है माँ की मौत पर होता था, लेकिन कुछ ऐसी अड़चने लग रही हैं। पहले मेरे भाई का जो था, आपको कुछ लोगों को पता ही है जिन्होंने मेरी वीडियो को देखा ही है, ये हादसा हो गया था। और उसके बाद बस फिर करते 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 अब ये मौस आ गई थी, तो इसमें ये सब कोरोना वायरस का खतरा हो गया है, तो जिसकी वजह से अब फिर से भंडारा टल गया है। और पता नहीं अब की बार भगवान जी को क्या मंजूर है, वो चाहते हैं या नहीं चाहते हैं कि हमारा भंडारा हो। और कई बार जब बुरे दिन आते हैं ना, तो ऐसा ही होता है, अच्छे काम टलते चले जाते हैं और बुरे काम जो है घरों में आते चले जाते हैं। बस यही होता है और यही हमारे भंडारे का हो रहा है कि बार 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 ऐसे ही टलता जा रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है। वरना इतने सालों में मैंने आज तक नहीं देखा कि जब हमारा मौस का भंडारा होता था, माँ की मौस का भंडारा होता था, तो वो कभी आगे बढ़ा हो, लेकिन किस्मत की बात होती है।
तो यहाँ पर मैं क्लीनिंग करने लगी थी अपनी वॉश बेसिन की, और काफ़ी गंदी सी हुई पड़ी थी, तो मैंने सोचा कि चलो इसको भी मैं साथ के साथ ही साफ़ कर देती हूँ। और जब तक ये वॉश बेसिन साफ़ ना हो तो मन सा नहीं लगता है, क्योंकि ये बरामदे में ही है, बीच में बेड़े में, आप जो भी बोलते होंगे इसको। तो यहाँ पर है ये दो वॉश बेसिन है, एक वो जो परली साइड में है वो पुरानी वॉश बेसिन है, और ये नए वाली वॉश बेसिन है, क्योंकि होता है ना एक ख़राब हो जाती है तो एक तो कम से कम ठीक रहती है। तो देख अभी सोनिया मुझे बता रही थी कि इटली में और चाइना में जो है 1.5 लाख मौतें हो गई हैं कोरोना वायरस की वजह से, और मुझे ना इतना भय लगने लगा है कि कोरोना वायरस अगर एक बार आ गया तो क्या होगा, और इसीलिए छोटी छोटी खांसी जुखाम से भी डर लगने लगा है। हालांकि खांसी अगर कोरोना वायरस की खांसी है तो उसमें हल्का सा खून आता है, उससे पता चलता है, ऐसा तो नहीं है कि हल्की हल्की खांसी जुखाम हमें नॉर्मल भी होते हैं। लेकिन फ्रेंड्स गर्म पानी पिए और नींबू लें और काढ़ा लें अगर हो सके तो, पॉसिबल हो सके तो चाय में अदरक, इलायची, नमक और तुलसी के पत्ते पकाकर पिए तो आप काफ़ी आराम रहेगा, काफ़ी फ़ायदा रहेगा। और मैंने तो ये खांसी की दवाई ली है, मुझे काफ़ी फ़ायदा लग रहा है। और यहाँ पर चेरी अपनी मामी का स्टाइल बनाकर दिखा रही है, वो कैसे दुपट्टा लेती है। तो बस सारा काम करने के बाद उसके बाद मैं आ गई थी शिव को नहलाने के लिए, और इसको नहाने से बहुत डर लगता है, जब इसको नहलाने के लिए बिठा देती हूँ तब तो इसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उससे पहले ना 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 ऐसे ही करती रहती है। और बच्चों को होता ही है कि थोड़ा थोड़ा सा डर लगता है, क्योंकि थोड़ा ठंडा पानी लगता है, लेकिन मैं थोड़ा हल्का निवाया पानी लेती हूँ उसमें ही नहलाती हूँ, ना गर्म में और ना ठंडे में, दोनों मतलब नॉर्मल पानी होता है। तो क्योंकि सीवी भी सो गई थी नहाने के बाद, वो चरी के पास ही लेट कर सो गई थी, और ये मैं हिल रही हूँ, ये ना मुझे बचपन से आदत है थोड़ा थोड़ा हिलने की, कुछ किसी को होती है ना ये इस तरह की आदत, जैसे बैठे रहते हैं और वो हिलता रहता है, तो मुझे भी इस तरह की आदत है। बहुत कंट्रोल करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन फिर भी वही है कि माइंड से निकल जाता है, और भी जब ध्यान आता है तो फिर रुकती हूँ। तो मैं उसके बाद फिर सो गई। दोपहर में किसी को खाना खाना था, किसी को नहीं खाना था, थोड़ा थोड़ा खाना था, तो जिसने खाना खाया उसको सोनिया ने दे दिया था, और मम्मी और ये मासी के यहाँ चले गए थे। मैंने आपको अपनी मासी सास से मिलवाया है कई बार, एक दो बार मिलवाया है, आपसी लेटी थी और मुझे तो पता ही नहीं चलता वो सीवी है कहाँ। आजकल सीवी तो बस चेरी के पास ही रहती है, मोस्टली चेरी चीकू के पास ही, और ये देखिए चेरी भी आ गई है। तो फ्रेंड्स आज मैं आपसे एक बात करने वाली थी कि सुबह के टाइम मुझे ना एक बहुत अच्छी न्यूज़ मिली, बहुत अच्छी खबर मिली, मेरा मन खुश हो गया। देखिए उस माँ का मन क्यों नहीं खुश होगा जिसकी बेटी को आज इंसाफ, उस माँ को, उस पिता को इंसाफ मिल गया। देखिए उस माँ के जिगर का टुकड़ा जो चला गया वो वापस तो नहीं आ सकता, लेकिन वही है कि थोड़ा सा सुकून मिला उसको। इतना है कि उसकी बेटी, जो उसकी बेटी के साथ हुआ वो एक उसकी बेटी ही नहीं थी, पूरे देश की बेटी थी। बेटी के साथ जो हादसा हुआ था, जो सब हुआ था, वो एक दिल दहलाने वाला हादसा था। मैं तो जब भी इस बारे में सोचती हूँ ना, मेरा दिल दुखता है, मेरे रोंगटे खड़े होने लगते हैं जब भी मैं इस बात को सोचती हूँ कि उसके साथ क्या क्या हुआ था, क्या क्या हादसा हुआ था उस टाइम पे। लेकिन आज इस बात से तसल्ली है फ्रेंड्स कि आज उसको इंसाफ मिल गया, और मैं तो यही कहूंगी कि हर बेटी को इस तरह का इंसाफ मिलना चाहिए, को इंसाफ मिला है, बहुत बड़ी बात है ये। और इससे हो सकता है कि ये हादसे कुछ हद तक कम भी हो जाएं, क्योंकि कुछ हद तक तो सोचेंगे ना लोग कि हमारे साथ क्या होगा अगर हम इस तरह की गलती करते हैं। तो फ्रेंड्स मुझे तो ये बात बहुत अच्छी लगी, और मेरे भी दिल को थोड़ी सी तसल्ली मिली।
क्योंकि मेरी भी एक बेटी है, और मेरी एक नहीं बल्कि दो बेटियां हैं, हमारी दो बेटियां हैं, एक चेरी है और एक शिवी है, और जिनकी तीन तीन चार चार बेटियां हैं, उनके उन माओं के दिल की पूछो कि उन्हें कितना कितनी टेंशन होती होगी जब वो बाहर जाती होंगी, बाहर बेटियां पढ़ने के लिए भी जाना है। अब बेटियों को हम घर में बिठा के तो रख नहीं सकते, उनको बाहर पढ़ने के लिए भी भेजना है, उनको नॉलेज दिलवानी है, उनको अपने पाँव पर खड़ा करना है, ये भी बहुत ज़रूरी है, हम उनको घर में बिठा के नहीं रख सकते। और ये भी टेंशन होती है जब हम उनको भेज देते हैं कि हाँ कहीं कुछ ऐसा वैसा ना हो जाए, हर वक्त जब तक वो घर पे वापस नहीं आती बेटियाँ तो दिल में धक 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 सी होती रहती है। तो मेरा भी यही हाल है कि मैं ये सोचती हूँ कि हाँ जब शिवी इस तरह से जाने लगेगी, मतलब अकेला जाने लगेगी, स्कूल जाएगी और कॉलेज जाएगी तो क्या होगा, थोड़ा सा सोच के ना दिल डरता सा है इन सब चीज़ों को देख देख के, इन सब चीज़ों को सुन सुन के। आप सबके जो मेरी तरह सोचती हैं शायद उनके दिल में होता ही होगा, और मुझसे ज़्यादा मेरे हस्बैंड डरते हैं इन सब चीज़ों से, उन्हें इन चीज़ों से बहुत डर लगता है। वो इसीलिए मुझसे हर बार यही कहते हैं कि इतने टाइम बाद हो गई है, बेटी हो गई है, कैसे होगा क्या होगा। देखिए बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं एक माँ बाप के सर पर जिनके यहाँ बेटियां होती है। देखिए मेरी तो एक ही दो ही बेटियां, हमारी तो देखिए मैं एक नहीं बोलूँगी, दो बेटियां हैं हमारी, और दोनों की ही हमें टेंशन है। ये बाहर जाती हैं तो हमें टेंशन होती है, और ये जब तक घर में नहीं वापस आती तो टेंशन होती है कि हाँ हमारी बच्चियाँ सही सलामत सुख शांति से वापस आ जाएं। हर माँ बाप का यही यही होता होगा, हर माँ बाप के साथ हर माँ बाप की यही टेंशन होती है देखिए आज के टाइम में, कि उनकी बेटियाँ सुख शांति से खुशी से खेलती रहे। लेकिन जिन माँ बाप की बेटियों के साथ ऐसे ऐसे हादसे हो जाते हैं, उन माँ बाप की ज़िंदगी में कितना तूफान आ जाता है सच में यार, सोच के भी एकदम रूह कांपने लगती है। तो फ्रेंड्स मैं तो आज सुबह मैं जब नहा के आई तो मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया कि हाँ आज ऐसे ऐसी बातें हो गई कि उनको दोषियों को फांसी की सज़ा हो गई, तो मुझे बहुत खुशी हुई। मैं मतलब दिल में ये हुआ कि चलो आज कम से कम उस बेटी को इंसाफ तो मिल गया, मुझे इस बात से खुशी है। आपको क्या लगता है फ्रेंड्स, सही हुआ या गलत हुआ, तो इसके बारे में मुझे बताना। तो फ्रेंड्स चलिए मैं अभी वीडियो का कर देती हूँ एंड, मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।